टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मयंक यादव मयंक यादव जहां देखो आजकल मयंक यादव के ही चर्चे हैं। मयंक यादव के चर्चा में रहने के खास रीजन हैं। एक तो मयंक यादव की स्पीड, दूसरी उनकी इंजरी, तीसरा ये खुलासा करता है कि मयंक यादव पूरी तरह से फिट नहीं थे। मयंक यादव का चर्चा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में गिने चुने गेंदबाज ही आए हैं जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, उमरान मलिक और मयंक यादव शामिल है। इन सभी गेंदबाजों में सिर्फ उमरान मलिक और मयंक यादव ही दो ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं। लेकिन उमरान मलिक और मयंक यादव में से सिर्फ मयंक यादव ही 150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ साथ सही लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए भी मयंक यादव की अहमियत बाकियों के मुकाबले बढ़ जाती है। मयंक यादव की स्पीड, लेंथ, लाइन को देखकर फैंस चाहते हैं कि मयंक यादव इंडियन टीम के स्क्वाड में परमानेंट मेंबर रहे और सारे मैचेस खेले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मयंक यादव और उनकी इंजरी एक दूसरे से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाती है। मयंक यादव का आईपीएल डेब्यू 2023 में ही हो जाता, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाम स्ट्रीम हो गया और इंजरी के कारण पूरे आईपीएल 2023 से बाहर हो गए। फिर आते हैं आईपीएल 2024, जहां एलएसजी अपना पहला मुकाबला आरआर से हार चुका था। रॉयल्स ऑफ टाटा आईपीएल गोइंग ऑन टू विन बाय 20 रन्स। हार के बाद आउट ऑफ फॉर्म चल रहे दीपक गोड़ा की जगह टीम में एंट्री होती है यंग गेंदबाज की, मयंक यादव। मयंक यादव अपने डेब्यू अगेंस्ट पंजाब के खिलाफ अपनी पहली गेंद डालने के लिए रेडी होते हैं। पहली गेंद की स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर, दूसरी गेंद 146 किलोमीटर पर आवर, तीसरी गेंद 150 किलोमीटर पर आवर, चौथी गेंद 141 किलोमीटर पर आवर और पांचवी गेंद 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली। साथ ही अपने दूसरे ओवर में आईपीएल 2024 के सबसे तेज गेंद 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक डाली। ये रफ्तार के बारे में बात कर रहे थे, लोग हैरान हो गए एक दुबले पतले से लड़के की स्पीड देखकर। ओवरऑल मयंक यादव अपने डेब्यू मैच के 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए और अपने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए। फिर होना क्या था, मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट चारों तरफ मयंक यादव का ही चर्चा होने लगा। मयंक यादव क्या जबरदस्त चमकता हुआ सितारा मिला है। मयंक अपना दूसरा मैच अगेंस्ट आरसीबी खेला, जहां मयंक यादव का खौफ बल्लेबाजों के चेहरे में साफ साफ दिख रहा था। उस मैच में मयंक यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। इसके बाद शुरू होता है मयंक यादव का दूसरा इंजरी। 7 अप्रैल को मयंक यादव जब गुजरात टाइटन के सामने खेलने के लिए उतरती है तो सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी की और साइड स्टैंड हो गया, जिनके बाद मयंक यादव को 5 मैचों का रेस्ट दे दिया जाता है। फिर 23 दिनों बाद जब मयंक यादव की वापसी 30 अप्रैल को मुंबई इंडियन के सामने होती है तो मयंक यादव शुरू से ही रिदम में नहीं लग रहे थे। अगेंस्ट मुंबई इंडियन मयंक यादव ने 3 ओवर में 31 रन दिए और चौथी ओवर की पहली गेंद 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली और मोहम्मद नबी को बोल्ड कर दिया, लेकिन बॉडी के खिंचाव से मयंक यादव के पेट में दर्द होने लगा। सुनने में नॉर्मल इंजरी लग रहा होगा पर मयंक यादव आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। बार बार हमको पुश कर रहे हो, फुली फिट नहीं थे, गलत काम हुआ, जो भी हुआ लखनऊ ने मयंक यादव को दोबारा से खिलाया, वो इंजर्ड हैं, उनको प्रॉपर टाइम दो कि रिकवर करके आए। फिर एक लंबे ब्रेक के बाद एनसीए में हार्ड ट्रेनिंग किया, जिनके बाद बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला। तो मयंक यादव ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट जर्नी की शुरुआत मेडन ओवर से किया और इंडिया के 5वां गेंदबाज बन गया जिसने T20 के डेब्यू ओवर को मेडन डाला। ओवरऑल मयंक यादव का बांग्लादेश T20 सीरीज अच्छा रहा तो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मयंक यादव T20 टीम में परमानेंट रहेंगे, पर साउथ अफ्रीका दौरा पर जाने वाले T20 स्क्वाड का ऐलान हुआ जिसमें मयंक यादव का नाम ना देखकर फैंस BCCI पर सवाल उठाने लगे। फिर मयंक यादव से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया कि मयंक यादव को बैक इंजरी हुआ है, बैक इंजरी से फिट होने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। इससे पहले जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी बैक इंजरी के कारण कई महीनों तक टीम इंडिया से बाहर रहे थे। उम्मीद करते हैं मयंक यादव जल्द से जल्द फिट होकर टीम इंडिया में वापसी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।